केंद्र सरकार व अंबानी अडानी के खिलाफ इंदौरा कांग्रेस ने किया रोष प्रदर्शन। प्रधानमंत्री अडानी अंबानी का कर रहे विकास, कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त। इंदौरा में गुरुवार को SBI बैंक की शाखा के बाहर विधायक मनेंद्र राजन, जिलाध्यक्ष कर्ण सिंह पठानिया, मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह मनकोटिया व हिमाचल के सह प्रभारी संजय दत्त की उपस्थिति में मंडल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार व अंबानी व अडानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर अंबानी अडानी को गलत तरीके से साथ देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अंबानी व अडानी को मोदी सरकार द्वारा गलत तरीके से देश की जनता का पैसा लुटाया जा रहा है और केंद्र सरकार अडानी ग्रुप को बचाने की कोशिश कर रही है। संजय दत्त ने बताया कि 10 मार्च तक SBI बैंक की शाखाओं व LIC के दफ्तरों के बाहर कांग्रेस पार्टी मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के मुद्दे के साथ सत्ता में आई थी, पर अब साथ और विकास अडानी अंबानी का किया जा रहा है। आम आदमी आज भी महंगाई के दबाव में कुचल रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सरकार के पास ना नियत है ना नीति है। संजय दत्त ने कहा, चीन हमारे हजारों किलोमीटर अंदर तक घुस गया है। प्रधानमंत्री कहते हैं, ना कोई घुसा है ना हम किसी को घुसने देंगे। सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के साथ ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने अडानी समूह के खिलाफ JPC और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाने की भी मांग की है। इस अवसर पर जिला परिषद प्रवीण मीना, कुलदीप कीपा, इंदौरा पंचायत प्रधान भूपाल कटोच, कर्ण सिंह लीची, कमल किशोर व प्रताप सिंह आदि गणमान्य उपस्थित रहे। कांग्रेस कमेटी के तरफ से सभी प्रदेशों में, सभी जिलों और सभी ब्लॉक में 6 मार्च से लेके 10 मार्च तक का SBI नेशनलाइज बैंक LIC के दफ्तरों के सामने जो है कांग्रेस कमेटी आंदोलन कर रही है। ये आंदोलन मोदी सरकार के क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ है, जो देश की जनता को जो है छल के जे देश की आम नागरिक को प्रताड़ित करके अपने खास दोस्तों को मदद कर रही है। और अडानी के मामले में हमने देखा कि किस तरीके से मोदी सरकार ने पूरे इकोनॉमी को खतरे में डाला, सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त अडानी को मदद करने के लिए। और कुछ बाहर के देशों से भी जो बातें सामने आई हैं, श्रीलंका से, ऑस्ट्रेलिया से, उसमें भी ये स्पष्ट हो गया है कि जब विदेश दौरे पे प्रधानमंत्री मोदी जी जाते थे तो अपने साथ अडानी को लेके जाते थे और वहाँ के सरकारों पे दबाव डालते थे कि अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएं, अडानी को टेंडर दिए जाएं। और श्रीलंका के तो उच्चतम नेतृत्व ने ये तक बयान दिया कि हमने उनको जो टेंडरिंग दिया वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डीलिंग के हिसाब से दिया। तो क्या अडानी अब भारत सरकार बन गए हैं? और जिस तरीके से आम आदमी का पैसा स्टॉक एक्सचेंज में, बैंकों में लगा और LIC जैसे संस्थाओं के माध्यम में खून पसीने की कमाई लगी, उन्होंने अडानी की कंपनियों में पैसा लगा के जो है आज जनता को उसका नुकसान सहना पड़ रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और जब ये सारी बातें हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने जब पार्लियामेंट में उठाई और सवाल पूछा कि इन बातों का जवाब मोदी सरकार दे, तो उनका जवाब देने के बजाय वो सारी बातें रिकॉर्ड से निकाल दी गई। तो आम जनता की तरफ से जो है सवाल पूछना सरकार को लोकतंत्र में क्या वाजिब नहीं है? और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि इसकी JPC होनी चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इंक्वायरी होनी चाहिए। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सर्वपक्षीय सदस्य होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य होंगे। लेकिन चूंकि इस पूरे स्कैम में बहुत कुछ सरकार को छुपाने को है, इसलिए सरकार ने जो है ये JPC की मांग को भी नहीं माना, ना ही सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से इस सारे कांड की इंक्वायरी हो उसको माना।
तो आज सवाल ये हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबके विकास के नारे पे सत्ता पे आई थी, वो सिर्फ अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट जो मित्र है, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, उनको मदद कर रही है, ना कि आम आदमी को। कि आम आदमी आज भी महंगाई के दबाव में उछल रहा है, आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लेकिन सरकार के पास ना कोई नियत है ना कोई नीति है इन सारे मुद्दों को हल करने के लिए। चीन ने हमारे हजारों किलोमीटर अंदर घुस गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसने देंगे। तो इस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में सभी ब्लॉकों में जनता की आवाज बनके ये आंदोलन कर रही है। और हम ये मांग कर रहे हैं कि पूरे तरीके से अडानी के कांड पे, स्कैंडल पे, स्कैम पे जो है, या तो सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से इंक्वायरी हो या जेपीसी के माध्यम से इंक्वायरी हो, और ये मांग पूरी होने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।